अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस। आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आर्टवर्क में। कोई भी हम आर्टवर्क बनाते हैं उसमें जो टाइपोग्राफी होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो है टाइपोग्राफी एक मस्ट पार्ट है आपकी डिज़ाइनिंग का। सिर्फ वो उन फॉन्ट्स को कहते हैं जिनकी शेप, ये मैंने हाईलाइट की हुई है, इस तरह की होती है। ये ज़्यादातर फॉन्ट्स क्लासिकली यूज होते हैं, न्यूज़पेपर्स में यूज होते हैं, जिनकी रीडेबिलिटी आपको ज़्यादा चाहिए होती है उसके लिए यूज होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, डॉर्जन प्रो हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स हैं जो कि सेरिफ में आते हैं, जिनकी शेप इस तरह की होती है, वो सेरिफ फॉन्ट्स में आते हैं। क्लासिकल टच किसी आर्टवर्क को आपने देना हो तो उसके लिए आप सेरिफ फॉन्ट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वे में आएंगे हम लोग सेंसरिफ। सेंसरिफ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि बहुत सिंपल से और मॉडर्न टच के फॉन्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास एरियल आ गया और ये दो फॉन्ट्स आ गए। ऐसे फॉन्ट्स जो सिंपल होते हैं बिल्कुल, उनको आप सेंसरिफ कहते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम आएंगे स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट बहुत मजे की कैटेगरी है, ये इसको पर्सनल टच देने के लिए हैंड राइटिंग मीन्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं अल्फाज, ऐसे फॉन्ट्स को हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट्स कहते हैं। और ये फॉन्ट्स पर्सनल टच देने के लिए और मीन्स ज़्यादातर सिग्नेचर्स में भी लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट्स यूज करते हैं। कोई भी क्लाइंट आपके पास आ गया, लोगो डिज़ाइन का आपके पास ऑप्शन दे रहा है, कहता है कि मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, ऐसे सिग्नेचर चाहिए, तो आप स्क्रिप्ट फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स की भी दो टाइप्स मैंने आपके सामने दी हुई हैं। ये लास्ट फॉन्ट हमारे पास जो टाइप है वो है कॉमिक सेंस। कॉमिक सेंस ज़्यादातर डिज़ाइनर्स कहते हैं कि कॉमिक सेंस को यूज़ ना किया जाए। उनकी भी एक साइकी है कि क्यों ना यूज़ किया जाए टाइपोग्राफी में या वैसे ही आर्टवर्क में यूज़ क्यों ना किया जाए, क्योंकि इसकी शेप की वजह से ये इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा वैसे ही कहा जाता है कि लोग यूज़ ना करें, लेकिन कुछ डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। लेकिन जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अच्छे डिज़ाइनर्स जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं कि कॉमिक सेंस को कहा जाता है अवॉइड किया जाए अपने डिज़ाइन से। तो ये थी डिफरेंट कैटेगरीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। चले अब हम चलते हैं अपने टाइपोग्राफी के फर्स्ट पैनल पे कि हमने टाइपोग्राफी की क्लास में क्या कुछ करना है। फर्स्टली ये चीज़ हमारे पास ये आर्ट बोर्ड मौजूद है। कोई भी साइज आपका आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, जिस साइज में आपने टाइपोग्राफी को प्लेस करना है, वो टाइपोग्राफी को कैसे प्लेस करना है और भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टाइपोग्राफी बेस्ट कर सकते हैं किसी भी आर्टवर्क में। और विदाउट आपने कोई इमेजेस यूज करनी है, विदाउट किसी चीज़ के हम इसको ही इतना ब्यूटीफुल बना लेंगे कि एक मीनिंगफुल लगेगा और ज़बरदस्त आ जाएगी टाइपोग्राफी। ये कोटेशन मैंने ली है, द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू इज टू वेक अप, ये इस बंदे की कोटेशन है पॉल की। तो ऐसा करता हूँ मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी करने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया कि टाइपोग्राफी के लिए आपको क्रिएट आउटलाइंस में करना पड़ेगा। क्रिएट आउटलाइंस करने से क्या होगा कि ये वेक्टराइज में हो जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ग्रुप है, तो आप इसको ग्रुप अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप कर लिया हमने, ओके, ये सब अलग अलग टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे टाइपोग्राफी करने के लिए, अलग अलग जो हमारे पास दा को अलग कर लेंगे, बेस्ट को अलग कर लेंगे, बिग को अलग कर लेंगे, टू को अलग कर लेंगे, मेक को अलग कर लेंगे, योर को अलग, ग्रुप कर लिया, ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी इसकी
कमांड है जो मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप जो है कंट्रोल जी प्रेस करें तो ये आपके पास ग्रुप हो गया। कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने, कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल जी, जी एंड कंट्रोल। ओके, ये सब अलग अलग हमारे पास आ गए। अभी हम लोग इनको यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट ही हम लोग ने दा को ले लिया, दा को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ क्योंकि हमें पता लग गया है कि इसकी सीक्वेंस हमने क्या रखनी है। फॉन्ट मैंने सिंपल लिया है, सिंपल फॉन्ट लिया है। ये है हमारे पास मैरिट प्रो। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैरिट प्रो जो है हमारे सेंस सेरिफ वाली कैटेगरी में आता है। इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अच्छा भी लगेगा। ओके, अब हम चलते हैं टाइपोग्राफी की तरफ। हमने दा को ऐसे लिख लिया। ओके, जिस चीज को हाईलाइट करना होता है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इन दोनों को हम, मैं चाहता हूँ कि टाइपोग्राफी में मर्ज कर लूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा और इसको शिफ्ट प्रेस करके इसके साथ मिक्स कर दूंगा। ये देखें, इसको आउटलाइन बनाने का क्या फायदा हुआ कि आप किसी भी तरह, जिस तरह आप चाहें, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास आ गया था। लिटिल बिट और इस तरफ जाएगा थोड़ा सा, ये इधर। ओके, ये आपके पास आ गया था। द बेस्ट बेस्ट हमारे पास मींस के थोड़ा हाइलाइटिंग वर्ड था, तो इस वजह से मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया। द बेस्ट वे, वे को लिखने के लिए हम लोग अपनी मर्जी से इसको ऐसा करते हैं, इस तरह डन कर लेते हैं, वे को ऐसे दे देते हैं, द बेस्ट वे। ओके, पढ़ा जा रहा है कि इस तरह करके इस सीक्वेंस में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग टू को ले लिया, इसको हम लोग मीडियम साइज पे लिख लेते हैं। ओके, टू मेक योर ड्रीम्स। ओके, मेक को हम करते हैं लिटल बिट छोटा साइज ले लेते हैं ताकि पढ़ा जाए कि ये चीज मैंने मेंटेन रखी है कि इसको मैंने सीक्वेंस हिसाब से करना है। कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, ये हमारे पास हाइलाइट्स ओपन हो गई, रूलर्स ओपन हो गया, रूलर से मैंने इसको ये सीक्वेंस दे दिया। ओके, उस हिसाब से मैंने इसको इस जगह में रख दिया। ओके, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। अभी इस तरह सीक्वेंस पे चला रहा हूँ तो इसको इस तरह रहने देता हूँ। टू मेक योर ड्रीम्स योर, एक और थोड़ा सा पंचिंग वर्ड है लेकिन ड्रीम्स इसके पास जो आ रहा है वो ज्यादा पंचिंग है। इस वजह से हम लोग योर को ऐसा करते हैं, इधर सेंटर में लिख लेते हैं और ड्रीम्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, योर ड्रीम्स इसका मतलब आपके ड्रीम्स। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो हम लोग इसको अनग्रुप करके शिफ्ट प्रेस किया, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसके साथ मैच कर दिया योर ड्रीम्स। ओके,
योर ड्रीम से से आ गया। कमेंट्स को ऐसे लिख लिया, ओके, और ट्रू को इसके साथ ही मैंने मर्ज कर दिया। ओके, योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। थोड़ा सा और पांच दिन है, हमने इस तरह से हमने थोड़ा इसको बढ़ा कर दिया इस टू वेक अप। कैसे आ गया? आपको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, एस टू वेगा, ओके। ये हमारे पास सिंपल सी टाइपोग्राफी मैंने करके दिखाई है आपको, कोई बड़ी चौड़ी साइंस मैंने नहीं की, मैंने जस्ट डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीके से एडजस्ट किया है। और यही ब्यूटी होती है टाइपोग्राफी की कि आप जो है चीजों को ब्यूटीफुली अरेंज करें, और जिस चीज को हाईलाइट करना है, जिस चीज को पूरे टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए, टेक्स्ट रीडेबल होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर दिया हमने, ओके, ये चीज हमारे पास आ गई है। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू इज टू वेक अप, ओके। ये पॉल का है, तो इसके लिए हम लोग इसको इस जगह पे रख लेते हैं, क्रिएट आउटलाइन में कर देता हूँ, ओके। टेक्स्ट को मैं कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी जो भी आप कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। ये लाइट कलर है बैक साइड पे, तो इस वजह से हम लोग कोई डार्क कलर देखेंगे। फर्स्ट कलर इसको मैंने रेड कलर दे दिया, ओके। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो अपना मजा है, लेकिन हम लोग इसके बैकग्राउंड पे भी लाइट कलर देंगे ताकि थोड़ा मजा करे। बैकग्राउंड मैंने बनाया, ओके, थोड़ा और लाइट, दिस कलर मजा नहीं जा रहा, ओके, दिस कलर। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इसको बैक पे ले जाएंगे, ओके, और इसको मैं लॉक कर लूंगा सिलेक्शन को, ओके। ये हमारी सिलेक्शन लॉक हो गई। इसको हम लोग रेड पे ही नहीं, ब्लैक पे रहने देते हैं ताकि पता लगे कि इस बंदे का है कोट, ओके। इस वजह से डिफरेंट रखने के लिए इसको हमने इसी के साथ, इसी के सीक्वेंस पे इस तरह रख लिया। अपनी टाइपोग्राफी को पकड़ के हम लिटिल बिट ऑल सिलेक्शन करके लिटिल बिट हमने रोटेट कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ओके। ये देखें, F प्रेस किया हमने, और ये देखें, ये हमारे पास हमारी टाइपोग्राफी तैयार। F सिर्फ प्रेस करेंगे, फिर दोबारा अपने सेक्शन पे आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारी टाइपोग्राफी तैयार। अगर आप इसको रेड नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको रेड कर देंगे, रेड हो गया, ओके। ये एक वे था जिसकी वजह, जिस तरह आप लोग टाइपोग्राफी कर सकते हैं, और भी काफी वेस हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अपने सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि दूसरे क्या वे है कि आप किस तरह टाइपोग्राफी और तरीके से कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट डे हमने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मैंने आपको, ओके, एक कोटेशन है उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया टाइपोग्राफी में कैसे इसको ब्यूटी ला सकते हैं और किस तरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ
नेक्स्ट हमारे पास एक और कोटेशन मैंने लिए रखी है, इसका भी साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये है कोटेशन, लव इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोटेशन है, मजेदार कोटेशन है। इसका हम लोग कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इस जगह पे आके इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। इस टाइपोग्राफी के लिए हम लोग ऐसा कोई फॉन्ट देखते हैं जो कि लिटिल बिट ज्वाइनिंग हो, इस तरह वाला फॉन्ट हो गया। ओके, इस फॉन्ट के लिए डन है। ओके, इसी को यूटिलाइज करते हैं, इसी फॉन्ट को यूटिलाइज करते हैं। और इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया हमने, इसको भी यही फॉन्ट दे दिया। ओके, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया, टाइपोग्राफी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट आउटलाइंस करना है। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आपने करनी है, वो है अनग्रुप। ओके, अनग्रुप कर लिया आपने, फिर डिफरेंट सेक्शंस बना रही है। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, इसको ग्रुप कर लिया। कंट्रोल जी और इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल जी आ गया, ये आ गया जी हमारे पास लव। लव को ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, लव को ज्यादा फोकस करना है हमने, और हम लोग इसमें ब्लैक इसकी आउटलाइन दे देते हैं, स्ट्रोक दे देते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा थ्री कर देते हैं। ये हमारे पास लव आ गया। लव इसको हमने ऐसे रख दिया, लव इस सीक्वेंस में है, तो इसको इसके सीक्वेंस में ही रहने दिया। ब्यूटी ब्यूटी इसको हमने ऐसे रख दिया, लव इस ब्यूटी को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। ओके, सोल हमने इनको क्रिएट आउटलाइंस किया था, तो उसके हिसाब से इसको यूटिलाइज मैं करता हूँ। सोल सोल भी थोड़ा सा टची सा इफेक्ट आता है। लव का हो गया थ्री हमने दिया था, तो बाकियों को भी थ्री दे देते हैं। थ्री स्ट्रोक हमने दे दी, स्ट्रोक लगा दी और थ्री पॉइंट्स दे दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इन सबको पकड़ के एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने से ये फायदा होगा कि स्ट्रोक भी जो होंगी वो भी वेक्टराइज हो जाएगी। ओके, अगर आप इस तरह ही रखना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज आप कंट्रोल जी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है। कंट्रोल जी मैंने कर दिया। ओके, सिर्फ लव को हमने, लव को कुछ और होता है, लव को भी हम स्ट्रोक खत्म कर देते हैं, सिंपल ही रहने देते हैं। ओके, अब इसको ब्यूटी हमने कैसे देनी है, is the beauty the को इसके साथ हमने दे दिया। ओके, ब्यूटी लिटिल बिट हमने टर्न किया इसको, और इसको इस जगह पे फिक्स कर दिया। beauty of the रहने देते हैं, दागो चले जाते हैं। ये हमारे पास स्पेस है ना, और ये इधर हमारा सोल आ गया। सिंपल सी ऑप्शन, ज्यादा बड़ी चौड़ी नहीं। ओके,
मजा नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है तो हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं, आपने ये चीज सेलेक्ट कर ली, ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ओके, ओके, नेक्स्ट हमने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ओके, जस्ट लीव इट एंड स्टार्ट, ओके, ग्रुप कर लिया मैंने इसको, इसकी मैंने एक कॉपी निकाल ली, ओके, ये आ गया आपके पास ऑप्शन, लिटिल बिट स्मार्ट एंड डिफरेंट टाइपोग्राफी की। आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑफसेट पाथ बनाने के लिए हम लोग जाएंगे ऑफसेट पाथ में, इधर हमारे पास हम लोग इसे करते हैं 20 रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं 13, ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। कलर हम इधर से पकड़ के कोई भी रख लेंगे, रेड कर लेते हैं, ओके, ताकि हमारे पास विजिबिलिटी आए कि ऑफसेट पाथ को कैसे हम लोगों ने इसको टैकल करना है। हम लोग डिफरेंस जो हमारे पास साइड्स हैं उनको पकड़ के ग्रुप कर लेंगे, ओके, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अनग्रुप कर देंगे ओवरऑल को, सबको पकड़ के अनग्रुप कर लेंगे, ओके, ये हमने सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल जी प्रेस किया, एक ग्रुप बन गया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये ऑलरेडी है ग्रुप में, इसको अनग्रुप किया, इसको कंट्रोल जी कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लिया, ओके, ओके हो गया। नेक्स्ट इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल जी कर लिया, ये हमारे पास आ गया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, इसको भी सिलेक्ट, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी कर लिया, इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी, ओके, ये सब कुछ आपके पास आ गया। लेयर्स में गए हम लोग, कंट्रोल जी, ये हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, इसको हम ऊपर के सबसे डाउन पे ले जाते हैं ताकि हमारे पास विजिबिलिटी आए, और ओके, ओके, ये दो तीन रह गई हैं, इसको इसको एक बार के कंट्रोल जी कर लिया, ओके, ये भी है हमारे पास, इसको भी कंट्रोल, शिफ्ट प्रेस किया, इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लिया, आप इनको पकड़ के सबसे एंड पे ले गए, ओके जी, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई,
अब हमने क्या करना है जी, इसको भी साथ मर्ज आउट कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, मर्ज कर लिया इनके साथ, कोई वाइट स्पेस हमारे पास ना रहे। डबल क्लिक किया, मर्ज कर दिया। डबल क्लिक किया, मर्ज कर दिया। क्लिक किया, मर्ज कर लिया। ओके, सिलेक्शन किया और मर्ज आउट कर लिया साथ। सिलेक्शन किया और डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर लिया और साथ ही इसके मर्ज कर लिया। ओके, ये भी अभी तक सिंगल में है, इसको कंट्रोल जी कर लिया। अब ये थोड़ा ऊपर चला गया है, तो इसको फिर भी चलाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट किया और नीचे ले आया। ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। उसके बाद हम लोग अगर चाहे तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, सिलेक्ट करके लॉक कर लिया। ये लॉक हो गई हमारे पास डाउन वाली। ऊपर वाली चीज को हम लोग खेल सकते हैं, इसमें हम लोग येलो स्ट्रोक दे सकते हैं। सेलेक्ट करके हमने इसमें कोई लाइट कलर की स्ट्रोक दे सकते हैं या कुछ भी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। लाइट कलर की स्ट्रोक दे दी। ये आप लोग क्या करें, इस पे स्ट्रोक अगर नहीं देनी है आपने, आप लोग इफेक्ट्स पे जाए, आपके पास एक ऑप्शन आ रही है आउटर ग्लो की। आउटर ग्लो इसका दे देते हैं व्हाइट कलर का, हम लोग आउटर ग्लो दे देते हैं। इसको शो भी करवाते हैं कि हमारा आउटर ग्लो कैसा लग रहा है। इसको हम लोग 80% पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, ये देखें जी कितना जबरदस्त इफेक्ट हमारे पास टाइपोग्राफी में इफेक्ट आ गया आउटर ग्लो के थ्रू। अगर कोई भी कमेंट्स, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं तो जरूर करिएगा कमेंट्स में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं आपको हर सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और डिटेल में सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ। विवाद यूनिवर्स को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।